हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या। आज हम डिस्कस करेंगे पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब ताप अपघटन। ये सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजल की प्रोसेस है। डिस्कम्पोज किया जाता है सॉलिड वेस्ट को। इस प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस हमने जो पढ़ी थी वो इंसाइनरेशन पढ़ी थी। ये पायरोलिसिस पढ़ रहे हैं अभी। इस प्रोसेस में सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है, बट ये किसी भी टाइप की आग से नहीं जलाया जाता है। इसे भस्म नहीं किया जाता है, इसमें टेम्परेचर के थ्रू इसे बर्न किया जाता है। टेम्परेचर मतलब एक हाई टेम्परेचर पे इसे बर्न किया जाता है सॉलिड वेस्ट को। देखिएगा, सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। हाई टेम्परेचर से मतलब है कि 430 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। अगर टेम्परेचर हमारा 430 डिग्री से कम है तो वह बर्न नहीं होगा, और अगर 430 डिग्री से ज़्यादा है तो इट विल बर्न इजीली। और इस प्रोसेस को लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की लैक में किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। अगर इसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी भी मात्रा में है तो ये बर्न नहीं होता। इसे पूरी तरीके से पैक किया जाता है एक बर्नर में, पूरी के तरीके से जैसे कि घर में अवन होता है उस तरीके से पैक किया जाता है पूरे, वैसे ही ये एक अवन में पैक किया जाता है। सॉलिड वेस्ट को अवन में पैक किया जाता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन के ज़रिए इसे 430 डिग्री सेल्सियस के से ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इसे बर्न करते हैं। जो भी सॉलिड वेस्ट है हमारा, ये पूरी तरीके से अच्छे से बर्न हो जाता है, अच्छे से जल जाता है, और इससे जो ऐश है, राख और गैसेस होती है ये निकलती है। गैसेस हमें प्राप्त होती है, और जो ऐश है इस ऐश से चारकोल बनाया जाता है। चारकोल भी मिलता ही है हमें इसके बर्न करने पर, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है पूरी तरीके से। ऑक्सीजन किसी भी टाइप में नहीं अंदर आ सकता इस बर्नर में, बट जो सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर जो लिक्विडिटी या लिक्विड मटेरियल भी होंगे, थोड़े से अनाज है, खाना है, या फिर वुड है, गीला वुड, गीले लकड़ी के टुकड़े, तो इसमें ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा होती ही है, ऑक्सीजन होता है थोड़ी मात्रा में। तो इससे उस ऑक्सीजन युक्त मटेरियल को जलने पर, उसे जलाने पर जो वेपर्स निकलते हैं, जो वाष्प निकलता है, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन होता है, पानी वाष्प मतलब पानी वेपर्स, तो इस वेपर्स को उड़ा दिया जाता है। ये ऐसी प्रोसेस होती है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है इस बॉयलर को कि जो वेपर्स हो ये पूरी तरीके से उस बॉयलर में नहीं रहे और पूरा का पूरा पूरी तरीके से ये वेपर्स उड़ जाए उस बॉयलर में से, मतलब कि ऑक्सीजन थोड़ा भी नहीं होता है इसके अंदर। मटेरियल से जो वेपर्स निकलते हैं, जो ऑक्सीजन निकलता है, उसे भी उड़ा दिया जाता है। देखिए, इसमें ऑयली मटेरियल भी होते हैं, ये हमें मिलता है, सॉरी ओके, इस सॉलिड वेस्ट में ऑयली मटेरियल भी होते हैं। सॉलिड वेस्ट में ऑयली मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। अब इन ऑयली मटेरियल को जलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जो सूखे कचरा होता है वो तो इजीली बर्न हो जाता है, बट दी ऑयली मटेरियल डजन बर्न इजीली, ये इजीली नहीं होते हैं बर्न। तो इससे इस ऑयली मटेरियल जब जल जाता है तो इसमें से लिक्विड टार निकलता है, लिक्विड टार, इसे हिंदी में कहते हैं द्रव टा, ओके। इसमें जब लिक्विड मटेरियल
सॉरी ऑयली मटेरियल जब बर्न होता है तो लिक्विड टार ऑप्टेन होता है और कुछ पॉइजनस गैसेस भी ऑप्टेन होती है। इसे बर्न करने पर कुछ गैसेस होती है, फॉर एग्जांपल दो तीन गैसेस बता रही हूँ। हाइड्रोजन होती है, इस पूरे मटेरियल को बर्न करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड। एज वी ऑल नो दैट द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द वन ऑफ द पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली होती है ये, जो कि हमारे एनवायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। फिर ये जलने के बाद इसमें से कुछ एसिडिक एसिड भी निकलता है, फिनॉल ऑप्टेन होता है, फिनॉल बेंजीन ऑप्टेन होता है, ऐसी कुछ यूज़फुल चीज़ें भी ऑप्टेन होती है। इसमें से लिक्विड टार भी निकलता है और स्पेशली चारकोल भी निकलता है इसमें। ऑक्सीजन की कमी में ये होता है पायरोलिसिस और हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। वैसे ही इंसैनिटेशन बताया था, इंसैनिटेशन आग लगाने पर बर्न होता है, ये भस्म किया जाता है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम रिसाइकल पढ़ेंगे, रीयूज एंड रिसाइकल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।